गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप भी चंद्रमा से जुड़े रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर एक, चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी 45 से 100 गुना तक ज्यादा चमकदार लगती है। यह अपने आकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़ी भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त चांद से देखने पर ग्रहण भी विपरीत दिशा में दिखता है। यदि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण होता तो चंद्रमा पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई देता। नंबर दो, क्या आपको पता है कि 1950 में अमेरिका ने परमाणु बम से चांद को उड़ाने की कोशिश की थी। इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट A119 नाम दिया गया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी भी हकीकत में नहीं बदला जा सका। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में चांद से भी बड़े बड़े उपग्रह मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह माना जाता है। इसके पास स्थित प्लूटो और बुध ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा टाइटन, कैलिस्टो और ईओ भी चांद से काफी बड़ा ग्रह है। नंबर चार, यदि आप इंटरनेट चलाने के शौकीन हैं और यदि आपकी इंटरनेट स्पीड कम है तो आप चांद पर जा सकते हैं। आपको बता दूं कि नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा मुहैया करवाई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड काफी आश्चर्यजनक मानी जाती है। नंबर पाँच, हमारा चांद पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अगले 50 अरब साल तक ऐसा चलता रहा तो चांद को धरती की परिक्रमा करने में 47 दिन लग जाएगा। अभी चांद पृथ्वी की परिक्रमा केवल 28 दिन में ही पूरा कर पाता है। नंबर छह, गाइस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर पहुंच पाए हैं। यूजीन कर्नान आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने आखिरी बार चांद पर गए थे। इन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत चांद पर अपना कदम रखा था। उसके बाद सिर्फ मशीनें और रोबोट ही अब तक चांद पर जा पाई हैं। नंबर सात, चांद पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल है। चांद पर पानी भी तरल नहीं होकर सॉलिड फॉर्म में उपलब्ध है। नासा के LDD प्रोजेक्ट के अनुसार यह हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि वहां पर पानी पीने के लायक नहीं है। पानी वहां पर लिक्विड ना होकर ठोस की अवस्था में पाया जाता है। नंबर आठ, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। किसी भी तरह का वायुमंडल का ना होने के मतलब कि सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ तापमान भी भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है और आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। यानी कि अगर चांद पर से आप आसमान को देखेंगे तो यहाँ पर से आसमान हमेशा काला ही दिखाई देता है। नंबर नौ, गाइस क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर धूल का गुबार होता है? और आपको बता दूं कि धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बना रहता है। इसकी असली वजह विज्ञान अभी तक नहीं खोज पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी वजह से अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होना ही हो सकती है। नंबर 10, गाइस क्या आपको पता है कि चांद किसी मलबे से बनकर तैयार हुआ है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चांद पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच उत्पन्न हुए भारी टकराव से बचे हुए अवशेषों के मलबों से बना था। नंबर 11, फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि चांद हमारी नींद पर भी असर डालता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल स्विट्जरलैंड के अनुसार अमावस्या पर लोग अच्छी नींद का आनंद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर कम नींद आती है। हालांकि विज्ञान ने अभी तक इस चीज को साबित नहीं कर पाया है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। नंबर 12, गाइस क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर लगभग 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा है? यानी कि मनुष्य ने चांद पर भेजने के लिए जो जो चीजें बनाई थी वो मलबे के रूप में चांद से 1,81,400 किलोमीटर दूर पर पड़ा है। इनमें से 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे चंद्रमा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आप फैक्ट्स से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी फैक्ट्स से जुड़ी इस तरह की धमाकेदार वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आता सबसे पहले पहुंचे।